और बताओ माइक कैसा लग रहा है? वैसे नया माइक लिया है भाई ने। वैसे आ गए। कुछ इनकम नहीं हो रही। चलो तो कैसे, हाँ मैं बोला था कि मैं जानता हूँ कि आईपीसी करनी है, लेकिन आज फिर जो है हम कॉन्स्टिट्यूशन को करेंगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। और ये वीडियो जो है वो स्पॉन्सर्ड बाय निविया मैन। ये छोटा बच्चा है निविया का। कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मजाक है ये। कोई कोई निविया हमारे को कोई यार स्पॉन्सर है, छोटे मोटे लोग हैं यार हम लोग का। हम चलो तो आज जो हम यहाँ क्या करने वाले हैं, अरे पहले इंट्रो दे दें। तो गाइस प्रतीक शर्मा है और आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं मेहुल जैन, एंड वेलकम टू बीबीएलएलबी ज्ञान। तो चलो जी, आज जो यहाँ पर हम एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम पांच केस के थ्रू समझेंगे और पूरी कहानी को पूरा रट जाएंगे। तो चलो जी मेहुल, आप पहला केस बताओ। तो पहला केस है चंपकम दुराय राजन केस। ठीक है जी, सीडी राजन बोल लो, चंपकम दुराय राजन जो आपने बोलना। इसके अंदर कुछ नहीं था, सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल स्ट्रिक्ट सेंस में बोला कि भाई जो फंडामेंटल राइट है ना वो सबसे ऊपर है डायरेक्टिव प्रिंसिपल से। सिंपल इतनी चीज बोल दी उन्होंने कि जो फंडामेंटल, अगर कोई भी लड़ाई होती है इन दोनों के बीच में तो हमेशा फंडामेंटल राइट जीतेगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल हमेशा सबॉर्डिनेट नेचर का ही रहेगा, सुपीरियर सुप्रीम अथॉरिटी का आ गया बस, सुपीरियर आपके फंडामेंटल राइट्स रहेंगे। ये पहले स्टार्टिंग थी। दूसरा केस बताइए, केरला एजुकेशन बिल्स। अब इसके अंदर धीरे धीरे जो है नजरिया चेंज हुआ, उन्होंने कहा कि यार ये दोनों ना हार्मोनाइज्ड वे में चलने चाहिए, क्योंकि दोनों ही इंपॉर्टेंट है फॉर द गवर्नेंस ऑफ आवर कंट्री। तो उन्होंने कहा दोनों को हार्मोनाइज्ड वे के अंदर चलाओ। तीसरा केस बताइए। तीसरा केस आपका आता है गोलकनाथ केस। गोलकनाथ बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इसके अंदर बड़ी अच्छी चीज बोली उन्होंने, कहा कि ये कंसाइंस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन है। कंसाइंस मतलब निचोड़ है, जिस्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो बेसिकली क्या कहना चाह रहे हैं कि ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं एक कंट्री की गवर्नेंस के लिए, और ये कॉन्स्टिट्यूशन का कंसाइंस है, जिस्ट है, उसका निचोड़ है, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा केस बताइए, मिनर्वा मिल्स। मिनर्वा मिल केस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बढ़िया चीज इसके अंदर बोली गई थी। इसके अंदर बोला गया था कि जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो इट्सेल्फ आर नॉट एन एंड, मतलब वो खुद में ही एंड नहीं है, वो एक बल्कि जरिया है एंड को अचीव करने का, और वो एंड क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो ये चीज़ आपको जरूर लिख के आनी, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हुआ था आपका मिनर्वा मिल्स के अदर कि फंडामेंटल राइट आर नॉट इट्सेल्फ एन एंड, ये जो है एक जरिया, एक वाहन है, एक व्हीकल है, एक रास्ता है अपने गोल तक अचीव होने का, या अपना जो आपका लगा लो जो हमारा एंड है उसको अचीव करना, और वो एंड क्या, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। लास्ट केस बताइए। लास्ट केस अशोक कुमार ठाकुर केस। अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस है हमारा आखिरी। इसके अंदर कुछ नहीं बोला गया था, इसके अंदर चार चीज़ें जो है बताई गई थी, बहुत ही ईजी है। इसके अंदर बोला था कि हमारे को सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सोशल वेलफेयर जो चार राइट्स होते हैं ये हमारे को अचीव करना है, और ये दोनों ही, ये चारों ही राइट्स इन दोनों ही चीज़ों के अंदर इंश्राइंड हैं, और ये चारों ही चीज़ें हमारे को चाहिए होती हैं फॉर द प्रॉपर गवर्नेंस ऑफ आर कंट्री। तो ये था आपका रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल। तो यहाँ पर हमने पांच केस पढ़ लिए। पहला आपकी लड़ाई शुरू हुई थी सीडी राजन से, चंपकम दुराई राजन, उसके बाद आपका केरला एजुकेशन बिल, तीसरा गोलकनाथ, चौथा आपका मिनर्वा मिल्स, और पांचवा आपका अशोका कुमार ठाकुर। हाँ ठाकुर साहब है हमारे। तो ये जो थे हमारे पांच केस हैं, पांच केस के अंदर जो आपका रिलेशनशिप निकल के आ जाता है। अब कई जगह पर आपको ये केशवानंदा भारती वगैरह केस भी मिल जाएंगे, और भी कई सारे केस मिलेंगे। पांच ये इंपॉर्टेंट है, केशवानंदा को इसलिए हम ऐड कर सकते हो कि वो बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बताता है। जहां भी आपको लगाओ केशवानंदा भारती का नाम आ गया वहां पर, मतलब आप लगा लो कि बेसिक स्ट्रक्चर की बातें चल रही हैं सारी, कि भाई बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर इंक्लूडेड है ये सारी चीज़। और एक और चीज़, पार्ट थ्री ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है फंडामेंटल राइट, और पार्ट फोर के अंदर है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो कभी कभार पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन पार्ट थ्री एंड पार्ट फोर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो कहीं आप ये मत कन्फ्यूज होना कि यार ये क्या चीज़ है, बीबीएलएलबी ज्ञान ने तो पढ़ाया ही नहीं था ये। तो ये मैं पहले क्लियर कर दूँ, और ये वीडियो है निविया के थ्रू से, स्पॉन्सर नहीं है, मजाक था ये। चलो मेहुल और बताओ क्या हाल चाल, सब बढ़िया? बस सब बढ़िया, तो सब बढ़िया चल रहा है घर में? पेपर की तैयारी हो गई? बाय बाय, हमारा ये चलता रहता है। बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग बीबीएलएलबी ज्ञान।